जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का दिनेश सराय टीम में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं कोई नई जानकारी नई अपडेट के साथ आते हैं। अब जैसा कि आप लोग पता है, आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना या जन सेवा मित्र योजना। तो अब इसका जो है वो इंटरव्यू आपका होने वाला है। जो बच्चे जिन बच्चों के इंटरव्यू सही निकल जाएगा वो इसमें आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि ये जो इंटरव्यू क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन लेके हम आपके सामने आ चुके हैं। क्योंकि इस जो नेक्स्ट पहले हुई थी, प्रथम चरण हुआ था, जिसमें कुछ हमारे मित्र बैठे हुए थे, उनके जो क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ताकि आप लोग यदि वो तैयारी करके जाएंगे तो आप लोग 100% में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा बताने वाले, बहुत जो टॉपिक है वो इंटरेस्ट होने वाला है, और आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे हाँ ये क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। ठीक है, और आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं या पहली बार आए तो चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह के जो कंटेंट मैं आपके लिए यहाँ पर लाता रहता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से आप क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर देखिए हमने पूरे क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिए हैं, और आप लोग यहाँ पर पूरे ये क्वेश्चन हमारे पास पूरी PDF है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने पूरी लिख ली क्या क्वेश्चन है पूछ गए, तो हम पढ़ लेते हैं पहले लाइन बाई लाइन स्टेप। वीडियो हो सकता है 5 मिनट का हो जाए, तो आप वीडियो उसका पूरा देखें यदि आप लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है और आप लोग इसमें इंटरव्यू देने जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला पूछते हैं कि मुख्यमंत्री व इंटरशिप योजना में, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। तो यहाँ पे आपका नाम पूछते हैं, आपका नाम क्या है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपको ये बताना है वहाँ पर। ठीक है, नॉर्मल से सवाल है आप लोगों को, ठीक है, आपको समझना है कि भाई किस तरह के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है आप क्या करते हैं, ये पूछते हैं भाई, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं ये बताना है आपको। आपके माता पिता क्या करते हैं ये बताना है भाई, कृषि करते हैं वो बताना है, आप कुछ करते हैं वो बताना है, जो भी आपके माता पिता करते हो। नेक्स्ट आपने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की ये बताना है, आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, 12वीं किया है, जो भी आपने किया वो बताना। आप क्या आपके पास अपना खुद का मोबाइल है ये बताना, तो वैसे सभी लोगों के पास होता कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आप अभी आप क्या करते हैं ये बताना, वर्तमान में आप पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं आप, लेकिन पढ़ रहे हो तो मैं बताना, क्योंकि पढ़ोगे फिर ये नहीं कर पाओ। ठीक है, तो ये आप अभी क्या कर रहे हैं वो बताना। आपको क्या कंप्यूटर चलाना आता है, ठीक है, तो सब लोग जानते हैं नॉर्मली कंप्यूटर चलाना, ये आपको यस करना हाँ बोलना है। क्या आपको ईमेल चेक करना आता है, ये भी बोलना है। ठीक है, हम ईमेल चेक कर लेते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपको ईमेल लिखते हैं, लिख लेते हैं, सेंड करना आता है, बिल्कुल आता है, ये भी आपको बोल देना, मोबाइल में सब लोग चलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपके पास बाइक है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, बाइक को यदि आपके पास अपना वाहन नहीं है तो फील्ड पर कैसे काम करेंगे, तो आपको मना नहीं करना है, यहाँ बोलना है यस सर हमारे पास बाइक है। नेक्स्ट है आपको वाहन की सुविधा नहीं मिलेगी, ये उन्होंने बोल दिया, लगने वाला जो पेट्रोल वो भी नहीं मिलेगा, तो फिर भी आपके तैयार है, आपको बोलना हाँ सर हम तैयार हम कर लेंगे। ठीक है, ये आपको मना नहीं करना, ध्यान रखना। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है वो बताना है, आपको बताना कि मैं ग्राम की जो भी लोग उनकी मैं सेवा करना चाहता हूँ, सरकारी योजना को लाभ जन जन तक पहुंचाना चाहता हूँ, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो फील्ड वर्क कैसे जाएंगे, ये आपको आपको आप ये आपको पढ़ाई बताना नहीं, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाई कर बताओगे तो फिर आप लोग यहाँ पे नहीं कर पाओगे जी, सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। नेक्स्ट इंटरशिप एक फुल टाइम वर्क है, आपको पता है कि आप इसमें काम कर पाएंगे, बोलना है ठीक है मैं कर लूंगा काम सर। ठीक है, आपके जिले में कितनी पंचायत आपको देख लेना पोर्टल पर जाकर, ठीक है, कितनी पंचायत वो आपको बताना पड़ेगी। आपके जिले में कितने कितने विकास खंड है वो आपको यहाँ पर बताना है, आपके विकास खंड कुल कितनी पंचायत है, तो आप लोग ये जो मेन मेन चीजें बोल लिख लें आप लोग याद कर लें। ठीक है, मध्य प्रदेश में संचालित इतगाई मूलक योजनाओं के बारे में आप क्या जानते हो, भी योजना है मध्य प्रदेश में आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं, आपको नाम बता देना 4-5 योजना की, ठीक है, उनके लाभ बता देना। ठीक है, क्या आप मध्य प्रदेश के संचालित जो योजना है जन कल्याणकारी उनके नाम बता दें आप लोग 10-15 यार जो भी नाम आपको। ठीक है, क्या आप मध्य प्रदेश में चल रही योजना का लाभ लिया है आपने, जो भी योजना का लाभ लिया उसको बता देना, जैसे आपने आपको आवास मिला प्रधानमंत्री वो बता देना है। ठीक है, लाडली बहना का आपको लाभ मिला वो बता देना आपको। ठीक है, या जो भी आपकी योजना, ठीक है, या प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आपको बताना है कि भाई ये गरीबों के लिए जो गांव में आपको 1.5 लाख और सिटी में 2-2.5 लाख रुपए यहाँ पर देती है, ठीक है, ये लोगों का जीवन सफल हुए बता देना। लाडली बहना योजना के बारे में आप क्या जानते बताना, जो हर महिलाओं को जो जिनकी आयु 23 से 60 वर्ष उनको यहाँ हर माह प्रति 1000 रुपये मिलने वाले हैं, और आप योजना को कम कर दिया गया है, मतलब उसकी जो आयु वो 21 वर्ष कर दी गई है, तो हमको नहीं मिलने वाले। ठीक है ना, और आगे आप 3000 रुपये देने वाले हैं मामा जी। लाडली बहना योजना के बारे में आप क्या जानते हैं वो बता देना। ठीक है, इसके बजाय लाडली बहना योजना के प्रति माह कितने रुपए मिलते हैं, तो सबको पता है 1000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। लाडलो बहना योजना क्या है वो बता देना आपको। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के बारे में बताना, कोई 2-3 लाइन आप पढ़ के चले जाना। ठीक है, लाडली बहना योजना क्या है वो आपको बता देना। यहाँ पर सीखो कमाओ योजना क्या है वो बता देना, जो बच्चों को जो लाभ मिलने वाला, जो बच्चा किसी इसमें सीखेगा प्लस काम करेगा और यहाँ पर उसको जो सीखने को मिलेगा उसको स्टाइपेंड भी यहाँ पर दिया जाएगा, वो बता देना आप लोगों को।
इसका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या है वो बता देना आप लोगों को, ठीक है। इसमें फूल पढ़ लेना आप लोगों को, पैसा एक्ट के बारे में बता देना ये योजना क्या है पैसा एक्ट, ठीक है, वो बता देना आप लोगों को। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध आवास पेंशन योजना क्या है वो आपको बता देना। तो ये पूरी आपको पढ़ के जाना, ये बता रहा हूँ। ये जो कुछ क्वेश्चन हमारे जो मित्र बैठे हुए थे अगले राउंड में, तो उनसे कुछ पूछ पूछे गए थे, गाँव में लोग योजना का लाभ क्यों नहीं लेते ये बताना, क्यों नहीं ले पाते, तो ये आपको बताना, क्योंकि उन्हें मालूम चल पा किसी कारण से गाँव में लोग योजना लाभ लें इसलिए क्या हमें करना चाहिए वो आपको उपाय बताना है। भैया हम कैसे तक जन जागरण फैलाएं या उनको जागृत करें कि आप गांव में कार्य करने के लिए तैयार हैं, आपको गांव में आना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, योजनाओं को बताना पड़ेगा कि आपको तैयार हैं, तो ये आपको यस करें। आप मुख्यमंत्री और इंटरशिप योजना तक क्यों कार्य करना चाहते हैं, मेन कारण कि आप ये बताना कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं और जो भी सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि लोग जागृत हों, योजना का लाभ ले सकें, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है कि आप जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत आपको सिर्फ 6 माह कार्य मिलेगा मिलेगा बोल आप बोल सकते हैं यस, क्योंकि आप लोग पहले काम कर लेंगे फिर आपको डबल से आपको ले लिया जाएगा, क्योंकि आप लोग का अनुभव हो जाएगा प्लस आप लोग ये वहाँ पे जो काम करने का वो मौका मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको बताना आपके विकासखंड में कितनी जनपद जो आपके जनरल पंचायत का अध्यक्ष कौन है, आपको देख के जाना है, ठीक है, पढ़ के जाना है। ग्राम पंचायत जनरल पंचायत और जिला पंचायत में क्या अंतर बताना, जनरल ग्राम पंचायत क्या करती है, जनपद पंचायत क्या करती है और जिला पंचायत क्या करती है, किस किस से अंतर आती है, ठीक है, ये आपको पूरा बताना है। ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत में जिला पंचायत में क्या अंतर ये आपको बता देना है, ठीक है। आपके ग्राम पंचायत में मुख्य 3 समस्याएं क्या हैं वो आपको बताना, भाई मेरे पंचायत में ये नहीं होता, लाइट नहीं है, सड़क नहीं मिली, जो भी आपको समस्या वो बताना है, ठीक है। आपकी जन पंचायत क्षेत्र में मुख्य 3 समस्याएं कौन सी हैं जिन्हें आप निराकरण बता सकते हैं, भाई ये करेंगे तो ये हो जाएंगी, ठीक है, ये आपको बताना है। आपके ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव का नाम बताना, कौन सरपंच आपको उसका सचिव कौन है, ठीक है। आपके ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव का नाम बताइए आपको बता देना, ठीक है। आपके जिला पंचायत के अध्यक्ष का नाम बताना, जो भी आपके जिला पंचायत अध्यक्ष बनाओ चुनाव हुए थे अभी, तो आप लोगों को बता देना है। आपके विकास खंड के सीईओ का नाम बताना, आप लोगों विकास खंड के सीईओ वो कौन है आपको बता देना। आपके जिले के कलेक्टर का नाम बताना है, तो आप लोग कलेक्टर के जो भी आपके सीईओ उसके जिले के नाम रखना याद करके, ठीक है। मध्य प्रदेश की 5 योजना के नाम बताना, आप लोग कौन कौन सी योजना जो शिवराज सिंह जो चला जा रही है, ठीक है, वर्तमान है वो आपको बता देना, उनका नाम बनवा देना। प्रदेश में कितने जिले हैं वो बताना, भाई मध्य प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं वो उसके बारे में बताना आप लोग। आपकी ग्राम पंचायत में कितनी जनसंख्या है वो आपको बताना है, भाई हमारे ग्राम पंचायत में भाई 1100 लोग हैं 1200 लोग, जो भी आपकी जनसंख्या वो आपको यहाँ पे बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो हमें यहाँ पे मिल चुके हैं पूरे पूरे जो भी, क्योंकि जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं इंटरव्यू में बच्चों से, वो बच्चे यहाँ पे जवाब दे देते हैं, ठीक है। और आप लोग यदि ये थोड़ा पढ़ के जाएंगे तो आप लोग नॉलेज मिल जाएगा, हाँ इस तरह के क्वेश्चन है वो आने वाले हैं, ताकि जो आवेदक है वो तैयारी कर पाए। और बाकी आप लोगों सबने फॉर्म भर दिया होगा, तो फॉर्म भरने के बाद आप जैसे ही आपको अभी जैसे ही 10 तारीख निकल गया फॉर्म भरा चुके, अब आप लोगों को आप ईमेल आईडी पे आपको मैसेज आएगा आप लोगों का आपका चयन हो चुका है, अब आप लोग का इंटरव्यू है जो एग्जाम मान लो इस प्रकार का वो आपको यहाँ पर रखा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है पूरे अपडेट रहना, हम जैसे ही इंटरव्यू आएगा एग्जाम होगा आपको अपडेट भी कर देंगे ताकि आप लोग इसमें आवेदन कर पाए। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन थी मेरे साथ वीडियो, मैंने क्वेश्चन बना दिया आप लोग ताकि आप लोग इसमें जा सकें। और आप लोग हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर दें लाइक, और चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से हमारा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है या वो जानकारी हमारे यूट्यूब से मिलता रहे, क्योंकि हम इसमें बैंकिंग संबंधी जानकारी है, रोजगार सहायक संबंधी जानकारी और भी मध्य प्रदेश जितनी छोटी छोटी वैकेंसी होगी सबकी जानकारी हम इसमें देते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। ओके दोस्तों, थैंक।